अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यानी तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसका नाप किसने ठहराया? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींची? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? वा किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवान बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यदि यही का तक आ और आगे न बढ़ और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए, क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पह को उसका स्थान जताया है ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदला है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है और दुष्टों से उनका उजियाला रोक दिया जाता है, उनकी बड़ाई मुंह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? वह गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा वा कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कड़ाने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथता व मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरसकर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? किसने अंतकारण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता
और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है?